प्रोनाउन आर वर्ड्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट नाउन्स। नाउन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उन्हें हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। वो नाउन जिनके बारे में हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी स्पोकन। सो दे आर यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। एक ही वर्ड का बार बार रिपीटेशन जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक ही वर्ड बार बार क्या ना हो, रिपीट ना हो, इसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउ प्रोनाउन्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दीज आर द 7 डिफरेंट पार्ट्स, टाइप्स और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, सो सी, लेट्स सी ऑल दीज टाइप्स विदाउट डिलेइंग। नाउ फर्स्ट वन इज द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ 3 टाइप्स, दे आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज द प्रोनाउन व्हेन वी रिफर टू एन इंडिविजुअल। जब हम लोग क्या करें, एक इंडिविजुअल के बारे में चर्चा करें, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, विच मीन्स एक किसी के बारे में जिसके बारे में लोग श्योर हों उसके बारे में चर्चा करें, तो उस जगह पर पर्सनल प्रोनाउन आएगा। और पर्सनल प्रोनाउन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, इट कैन बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इट कैन बी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और कैन बी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। लाइक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन्स आर द प्रोनाउन्स विच आर कॉमन फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये ऐसे प्रोनाउन्स होते हैं जो मैस्कुलिन फेमिनिन, मेल और फीमेल दोनों जेंडर के लिए, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए सेम ही यूज होता है। जैसे एक अगर बॉय है वो भी कह सकता है आई एम अ गुड बॉय, एक गर्ल है वो भी कह सकती है आई एम अ गुड गर्ल। तो आई एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो मेल और फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है। आई, मी, माई, ये तीनों के तीनों क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। हाँ, अब इसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ये केसेस होती हैं, ठीक है, वो हम लोग का बाद का चर्चा का विषय है। बट अभी के लिए आपको समझना है कि आई, मी, माइन, ये तीनों के तीनों क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरा है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने बारे में, मेरे बारे में। तो मैं अपने बारे में जब बात करूंगा तो मैं पर्सनल प्रोनाउन का यूज करूंगा, तो ये तो आई यूज करूंगा या मी यूज करूंगा या माइन यूज करूंगा, ठीक है। यह बुक मेरा है, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, माइन का यूज किया। क्यों किया ये हम लोग बाद में जानेंगे। लाइक आई हैव फिनिश्ड माय स्टडीज, आई का यूज किया हम लोग ने, क्यों किया ये बाद में जानेंगे। आई हैव फिनिश्ड माय स्टडीज, मैंने अपना पढ़ाई पूरा कर लिया, ठीक है, मैंने अपना पढ़ाई पूरा कर लिया, तो यहाँ पर हम लोग ने आई का यूज किया, जो क्या है बच्चे, एक पर्सनल प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी यूज होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की तरह से। और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चे, यू और योर्स, ठीक है, यू और योर्स, ये होते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। जैसे यू आर वेरी ब्यूटिफुल, अब यू आर वेरी ब्यूटिफुल ये सेकेंड पर्सन, यानी आप खुद के बारे में नहीं बात कर रहे हो, किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो जो आपके साथ प्रेजेंट हो, ठीक है, किसी दूसरे के बारे में जब आप बात करते हो और जो आपके साथ प्रेजेंट हो, तो उसके लिए आप सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू का यूज करते हो या फिर योर्स का यूज करते हो। जैसे आप किसी को कब बोल सकते हो कि वो ब्यूटिफुल है, जब आपके सामने में वो हो तभी यू का यूज कर सकते हो, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, तुम बहुत सुंदर हो, तो यू यहाँ पर यूज हुआ है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के रूप में, किसी दूसरे पर्सन यानी सेकेंड पर्सन के बारे में बताने के लिए, फर्स्ट पर्सन यानी आपके बारे में नहीं, किसी दूसरे यानी आपके सामने जो प्रेजेंट है उसके बारे में, वो अगर दूसरा व्यक्ति है जो आपके सामने प्रेजेंट है तो उसके लिए यू और योर्स का यूज करेंगे। जैसे दिस रूम इज योर्स, यह कमरा तुम्हारा है। अब कहाँ यू का यूज होगा, कहाँ योर्स का यूज होगा, ये हम लोग का बात का डिस्कशन का चीज है, लेकिन हम लोग अभी तो समझ लिए सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। नाउ थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहाँ पर यूज होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दोनों के लिए अलग होता है, मैस्कुलिन के लिए अलग, फेमिनिन के लिए अलग। मैस्कुलिन के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग जब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना हो जो ना तो मैं खुद हूँ ना मेरे साथ प्रेजेंट है, यानी सेकेंड पर्सन भी नहीं है और फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, थर्ड पर्सन है जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में अगर हम लोग को बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करेंगे। मैस्कुलिन के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो सकते हैं ही, हिम या हिज। फेमिनिन के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो सकते हैं शी, हर या हर्स। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल के लिए हो सकते हैं इट और इट्स। प्लूरल जो होगा, ठीक है, हर जेंडर के लिए प्लूरल इसका बनाया जा सकता है, सेम होता है। प्लूरल जो होता है बच्चे थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, वो क्या होता है, दे।
जब कई सारे लोग जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ना मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ना मेरे साथ जो लोग प्रेजेंट है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ प्रेजेंट नहीं है कहीं होंगे उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो अगर वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, विच मीन्स एक व्यक्ति का बात किया जाएगा और मेल होगा तो ही हिम हिज का यूज करेंगे, और अगर एक व्यक्ति का बात करें फीमेल होगा तो शी हर हर्स का बात करेंगे, और अगर न्यूट्रल होगा विच मीन्स उसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होगा या जानवर वगैरह होगा तो हम लोग इट इट्स का यूज करेंगे। और साथ ही साथ अगर क्या हो जाए, हम लोग कई सारे लोगों के बारे में बात करें, जैसे हम लोग बात करें किन के बारे में, जो कहीं दूर हैं, जो हम लोग से दूर हैं और कई सारे हैं, ठीक है। जैसे आपके बहुत सारे दोस्त हैं, तो आपके बहुत सारे दोस्त मान लो क्या कर रहे हैं, मान लो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे दे आर एंजॉयिंग, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ नहीं है, इसलिए हम लोग यू का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर एंजॉइंग क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं उस सब आपस में एंजॉय कर रहे हैं और कहीं दूर में कर रहे हैं जो कि हमको पता नहीं, और पता भी है तो मेरे साथ वो नहीं, इसलिए हम लोग दे का यूज करेंगे, या फिर देयर का या देयर्स का या देम का, ये क्या हो जाएंगे बच्चे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में, और ये सभी के लिए, चाहे मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, सबके लिए सेम होता है। चाहे आप लड़कियों के बारे में बहुत बात करें कि बहुत सारी लड़कियां आपकी फ्रेंड हो और दूर में कहीं दूसरे जगह पर एंजॉय कर रही हो, आपके साथ ना हो, तो दे आर एंजॉइंग, लड़के हो फिर भी दे आर एंजॉइंग, ठीक है। लड़के लड़कियों सभी के लिए दे का यूज होता है प्लूरल में, अगर थर्ड पर्सन के लिए यूज करना हो तो, जैसे दे आर गोइंग फॉर अ मूवी। अब ये दे जो है वो लड़कियां भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, कुत्ते भी हो सकते हैं, ठीक है, बिल्लियां भी हो सकती हैं, कुत्ते, मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो, प्लूरल है, ठीक है, हम लोग बना सकते हैं। सो दे आर गोइंग फॉर अ मूवी, ओके। नाउ सो अब उसके बाद रूल जो आता है बच्चे निगेटिव पॉजिटिव का, और ऑर्डर क्या हम लोग फॉलो करेंगे सिक्वेंस का, ध्यान रखोगे जब हम लोग यूज करते हैं ना पर्सनल प्रोनाउन का, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, तो हम लोग एक पार्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये ऑर्डर क्या होता है बच्चे, जब कभी भी सेंटेंस का टोन जो है वो क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, यानी सेंटेंस से कुछ गलत चीज का आपको क्या हो जाए, फीलिंग आए, यानी सेंटेंस को पढ़ने पर आपको लगे कि कुछ गलत किया गया है, ठीक है, हाँ कुछ गलत किया गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे, फिर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे, और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे, ध्यान रखोगे। तो देखो पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड। अब बताओ आई क्या है बच्चे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, एंड आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड। पनिश करना क्या होता है, निगेटिव बात हुआ ना, नकारात्मक बात हुआ, किसी को सजा मिलना ये खुशी की तो बात होती हो नहीं सकती, ठीक है, हाँ तो ऑब्वियस बात है ये नकारात्मक बात हो गया, निगेटिव बात हो गया, यूनिवर्सली हो सकता है एक दो के लिए खुशी की बात हो, ठीक है, सिंपल सा बात है ना, एक दो के लिए हो सकता है किसी को सजा मिलना खुशी की बात हो, सिंपल सा है, ओके। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अगर मतलब हिमांशु मार खाता है तो फिर आपके क्लास में कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अच्छा लगता है, ठीक है, तो अच्छा लगता है तो वो कुछ लोगों को लगता है, लेकिन यूनिवर्सली अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, निगेटिव बात हुआ, नकारात्मक बात हुआ, तो जब नकारात्मक बात हो तो वैसे सेंटेंस में हम लोग को अगर ऑर्डर फॉलो करना हो तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर फॉलो करेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है कि पहले फर्स्ट पर्सन आई, उसके सेकंड पर्सन यू, उसके थर्ड पर्सन ही, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर आप दूसरा सेंटेंस गौर से देखोगे तो वो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, आई यू एंड ही विल बी अवार्डेड, पुरस्कार मिलना तो क्या है, खुशी की बात है, पॉजिटिव बात है, सकारात्मक है, नकारात्मक बात तो नहीं है। हाँ ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है नकारात्मक बात हो जाए, ठीक है, आप में से हो सकता है कि किसी को पुरस्कार मिल जाए, मान लो संस्कृति जो है बोर्ड के एग्जाम में टॉप कर जाए, ठीक है, हाँ आपके क्लास से, आपके क्लास से छोड़िए, इंडिया से कर जाए, नंबर वन पर आ जाए, तो ऑब्वियस सब बात है कि बाकी जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्या होगा, उनके लिए नकारात्मक बात हो जाएगा, लेकिन दुनिया के लिए तो खुशी की बात है, यूनिवर्सली क्या है, ये अच्छी बात है, हाँ टीचर्स सारे खुश होंगे, फैमिली पर्सन खुश होंगे, ठीक है, साथ ही साथ दुनिया जो होगी, सारा का सारा वर्ल्ड जो होगा खुश होगा, सिंपल सैट, बट हो सकता है कुछ लोग उससे दुखी हो, लेकिन यूनिवर्सली क्या है, खुशी की बात है, यानी पॉजिटिव बात है। तो पॉजिटिव बात के लिए हम लोग कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे, 2-3-1, ध्यान रखोगे 231, यानी पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यानी इस सेंटेंस में क्या होगा बच्चे, पहले आएगा यू, उसके बाद आएगा ही, और उसके बाद एंड के बाद आएगा आई, क्योंकि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यू ही एंड आई विल बी अवार्डेड, ठीक है, ये बात दिमाग में रखोगे, ओके। ये सही ऑर्डर है ग्रामेटिकल यूजेस का, वैसे तो आप कुछ भी यूज करो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो जाएगा तो फिर आपका नंबर कट जाएगा एग्जाम में, बस इतना सा इसका महत्व है। यूज करने के लिए तो आप कुछ भी बोलो, कौन रोक रहा है आपको, बस ग्रामर क्या कहता है वो हम लोग को जानना। अब देखो
अभी हमने आपको बताया था कुछ होते हैं सब्जेक्टिव केस, कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव केस और कुछ होते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव पढ़ते वक्त क्या चीज, हम लोग बात करेंगे पोजेसिव केस, ओके। बट फॉर नाउ आपको जानना ही है कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस क्या होता है प्रोनाउन का, ठीक है। सिंपल सवाल, बेसिक डिफरेंस जो होता है आई और मी के बीच का, उसको आप समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। तो समझो, सब्जेक्ट के रूप में जब हम लोग को प्रोनाउन का यूज करना हो तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, यानी प्रोनाउन का किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो फिर हम लोग को उसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चे, आई होता है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में हम लोग को प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो, चाहे वो प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो या नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो प्रोनाउन को, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मी होता है, तो वहां पर मी का यूज करेंगे। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। और पोजेसिव केस क्या होता है, माइन होता है। माइन जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, पोजेशन दिखाने के लिए यूज होता है प्रोनाउन का। जैसे दिस हाउस, अब बताओ अगर हम लोग एक सेंटेंस आपको बोले, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ आपको, दिस हाउस इज आई, क्या ये सही सेंटेंस है क्या बच्चों? अच्छा, इसी के जगह पर बोल दें दिस हाउस इज मी, क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं। क्या सही सेंटेंस होगा? दिस हाउस इज माइन, ठीक है। आप घर पर क्या कर रहे हो, अपना अधिकार बता रहे हो, पोजीशन बता रहे हो। पोजीशन मतलब अधिकार आपका, कि मेरा इस घर पर अधिकार है, ठीक है, मेरा इस घर पर क्या है, अधिकार है। तो आप दिस हाउस इज आई अगर बोलोगे, तो जब अधिकार पोजेसिव केस होता है, फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पोजेसिव केस माइन होता है, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, आई अगर यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हो, और अगर मी का यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हो। तो ना ही यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, ना ही ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पर पोजेशन चाहिए, और पोजेशन के लिए यूज करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव माइन। तो अगर आप बोलोगे दिस हाउस इज आई, यह हाउस मैं है, कोई सेंटेंस निकला, या फिर दिस हाउस इज मैं, दिस हाउस इज मी, तो यह हाउस, यह घर मुझे है, यह घर मुझे है, कोई सेंस निकला? कोई सेंस नहीं निकला। लेकिन जब आप बोल रहे हो दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, तो उस पर अधिकार है आपका, पोजेशन बताने के लिए माइन का यूज करेंगे। ना यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करना था, ना ऑब्जेक्ट का, इसलिए हम लोग आई और मी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब आपको बताना हो कि आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, तो बताओ मैं एक अच्छा लड़का हूं, क्या ये सही सेंटेंस है? बताओ जल्दी, बिल्कुल ये सही सेंटेंस है। अगर इसके जगह पर हम क्या करते हैं, मी लिखते, मी एम अ गुड बॉय, मुझे एक अच्छा लड़का हूं, व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस, मुझे एक अच्छा लड़का हूं, कोई सेंस निकलता है? क्योंकि यहां पर हम लोग को आई एम अ गुड बॉय, इसमें क्या चाहिए, इसमें एम अ गुड बॉय के साथ क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। क्योंकि आई एम अ गुड बॉय जब आप बोलते हो तो आप अपने बारे में बात कर रहे हो, सब्जेक्ट कौन है, आप खुद हो, ठीक है। तो खुद के लिए जब सब्जेक्ट के लिए यूज करना हो पर्सन प्रोनाउन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस आई का। लेकिन 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 ठीक है, अगर आप किसी को, हाँ, अगर आप यही पर सेंटेंस क्या यूज करना चाहते, सेंटेंस में अगर आप यूज करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव केस का, तब कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ओके। देखो, ही वॉज बीटन by I, अगर ये सेंटेंस हो बच्चे तो बताओ, तो he was beaten by I, क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? देखो, सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग समझो, he was beaten, अगर नहीं समझ में आ रहा है कहां पर क्या है, तो जाकर के बेसिक 6 लेक्चर देख लो फिर से। he was beaten, वह मारा गया, देख रहे हो यहां पर be का फॉर्म है was प्लस v3 आ रहा है, आखिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले तो ये पैसिव में होगा, अब समझ लो पैसिव में जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, रिसीवर होता है, ठीक है, यानी यहां पर सब्जेक्ट रिसीवर होता है। इसका मतलब क्या, he was beaten, किसको मारा गया, उसे मारा गया, तो मार किसको लग रहा है, उसे लग रहा है, तो वो रिसीवर है, वो कौन है, रिसीवर है, यानी वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी यहां पर ही क्या हो गया बच्चे, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। आपको सब्जेक्ट का पता चल गया, यानी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आ चुका है, तो क्या दूसरा सब्जेक्ट आएगा, नहीं आएगा, जब तक दूसरा वर्ब ना आ जाए तो दूसरा सब्जेक्ट आएगा नहीं, यहाँ पर तो वर्ब तो है नहीं दूसरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाय के बाद जो ये आ रहा है ये क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो डूअर होता है पैसिव वॉइस में वो क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो मार कौन रहा है? मैं मार रहा हूँ, तो मैं क्या होऊंगा? मैं होऊंगा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे बच्चे हम लोग। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मी। तो ही वॉज बीटन बाय मी। अनिकेत मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हो? चलो आप बोल सकते हो, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, there is no need to doodle. Now see, तो सब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का और पजेसिव केस का यूज आपने समझा? एवरीवन जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम हो प्रोनाउन के लिए, उस सेंटेंस में हम लोग आई का यूज करेंगे। जिस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का काम हो उस सब्जेक्ट में मी का यूज करेंगे। जिस सब्जेक्ट में पोजेशन बताना हो माइन का यूज करेंगे। जिस सब्जेक्ट में नॉमिनेट करना हो वो हम लोग जानेंगे कब करना होता है नॉमिनेट, आगे वहां पर हम लोग आई का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का हो गया। जैसे इट वॉज आई हु हेल्प्ड हिम इन हिज बैड टाइम्स। इट वॉज आई, वो मैं था जिसने उसे मदद किया उसके खराब समय में। अब बताओ, वो मैं था जिसने उसे मदद किया उसके खराब समय में। अब सिंपल सा बात है ना, इस सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं ना सब्जेक्ट, मदद कर रहा है, मैं कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं? दूसरे किसी को कर रहा हूं। ठीक है, तो मदद करने का काम कौन कर रहा है? डूअर कौन है बच्चे? ये सिंपल सा बात है ना। यहाँ पर बी प्लस बी थ्री कहीं आपको दिख रहा है? तो पैसिव तो है नहीं। पैसिव अगर है नहीं तो सिंपल सा बात है क्या हो जाएगा? एक्टिव में, और एक्टिव में होगा तो सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर होगा, यानी जो काम कर रहा है। तो मैंने मदद किया तो मैं डूअर हूँ। कौन हूँ? डूअर हूँ, यानी मैं क्या हूँ? डूअर हूँ, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ। और सब्जेक्टिव केस जो होता है प्रोनाउन का क्या होता है? आई होता है। यहाँ पर आई का आना क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर मी का यूज करना गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ इट वॉज मी हु हेल्प हिम इन हिज बैड टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा? गलत सेंस हो जाएगा। हम लोग आई का यूज करेंगे तब सही होगा। जैसे अगला देखो, इट वॉज आई हु कंप्लीटेड योर होमवर्क। वह मैं था जिसने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट किया। क्या ये सही है कि गलत है बच्चे, बताओ? बिल्कुल सही है, क्योंकि वह मैं था जिसने तुम्हें काम करने में, तुम्हें होमवर्क करने में क्या किया? मदद किया। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, जब वो मैं था जिसने तुम्हें होमवर्क करने में कंप्लीट करने में मदद किया, तो मेरा बात हो रहा है, मैंने काम किया, मैं डूअर हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। तो सब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन का आई होता है। इसका मतलब आई का यूज करना सही है। अगर मैं बोलूं इट वॉज मी हु कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखोगे। अगला, ही इन्वाइटेड मोहन एंड मी टू द पार्टी। ही इन्वाइटेड मोहन एंड मी टू द पार्टी। अब बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चे? सबसे पहले बताओ, क्या कहीं पर आपको बी प्लस बी थ्री दिख रहा है? बी प्लस बी थ्री का फॉर्म कहीं दिखा? नहीं दिखा, नहीं दिखा कहीं पर बी प्लस बी थ्री का फॉर्म नहीं है। तो यानी पैसिव में नहीं है, यानी एक्टिव में। और एक्टिव में जो होता है सब्जेक्ट वो डूअर होता है। ठीक है, यानी जो काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहली बात बताओ, इनवाइट करने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। किसे इनवाइट कर रहा है? यानी काम किसके ऊपर हो रहा है? मोहन और मेरे ऊपर हो रहा है। मोहन और मेरे को क्या किया जा रहा है? इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? उसके द्वारा किया जा रहा है। तो काम कर कौन रहा है? वह कर रहा है। तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह डूअर है। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब ही सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर मोहन जो है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और उसके साथ साथ मैं भी, मुझे भी बुलाया गया, तो मेरे ऊपर भी काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा बच्चे? मैं हो जाऊंगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मी होता है। यहाँ पर मी का यूज करना एकदम से सही है। लेकिन यहीं पर अगर हम बोलते हैं इनवाइटेड मोहन एंड आई टू द पार्टी, तो वो गलत हो जाता। सही क्या होता है? इनवाइटेड मोहन एंड मी टू द पार्टी। ओके, नाउ आवर टीचर, आर टीचर स्कोल्डेड मोहित एंड मी। बी प्लस बी थ्री का फॉर्म कहीं नहीं है। वेरी गुड, बी प्लस बी थ्री का फॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। ठीक है, तो स्कोल्ड करने का काम, डांटने का काम कर कौन रहा है? हमारे शिक्षक कर रहे हैं। ठीक है, हमारे शिक्षक क्या हो गए? आवर टीचर हो गए सब्जेक्ट। काम किसके ऊपर हो रहा है? मोहित के ऊपर और मेरे ऊपर, यानी हम लोग ऑब्जेक्ट हो गए। तो मोहित ऑब्जेक्ट और मैं भी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा प्रोनाउन का, इसलिए मी यहाँ पर सही है। यानी हम लोग मी का यूज सही किए। अगर हम लोग यहीं पर एक सेंटेंस दे आपको, दिस इज बिटवीन यू एंड आई, क्या ये सही है?
क्या ये सही सेंटेंस है? क्यों नहीं है? जल्दी बताओ क्यों नहीं है? देखो सेंटेंस को, यह तुम्हारे और मेरे बीच का मतलब है, यह तुम्हारे और मेरे बीच में, ठीक है? दिस इज बिटवीन यू एंड आई, क्या है तुम्हारे और मेरे बीच में? यह क्या है? यह किसका बात करें हम लोग? किसका बात करें? दिस का बात करें, कोई चीज मान लो है जो हम मेरे तुम्हारे बीच में, तो ये दिस क्या हो जाएगा बच्चे? सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसका हम लोग बात कर रहे हैं। और किसके बीच में है? तुम्हारे और मेरे बीच में। हम लोग तो सब्जेक्ट नहीं ना, हम लोग ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हम लोग के ऊपर काम हो रहा है, हम लोग के बीच में कुछ है, ठीक है? वो जो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है और हम लोग के ऊपर काम हो रहा है, मतलब हम लोग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? यू के साथ यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ठीक है? हाँ, पजेसिव केस यू का क्या होता है बच्चे? ध्यान रखोगे यू का पजेसिव केस होता है योर्स, जैसे दिस हाउस इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, ओके ओके। लेकिन यू का जो होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, दोनों का दोनों यू ही होता है, ठीक है? तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यू तो सब्जेक्टिव केस में यूज करें चाहे ऑब्जेक्टिव केस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो दिस है, कोई एक चीज है जो सब्जेक्ट है, हम नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है? मेरा बात नहीं हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट है, ठीक है? आई की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस होगा क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो इसलिए दिस इज बिटवीन यू एंड मी, या तुम्हारे और मेरे बीच में, सो दिस इज बिटवीन यू एंड मी। अगला सेंटेंस देख लो, मुकुंद एंड आई शैल कंप्लीट दिस टास्क, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, कैसे? देखो, मुकुल एंड आई शैल कंप्लीट द टास्क। काम क्या हो रहा है बच्चे? टास्क कंप्लीट करने का। कर कौन रहा है? मुकुल कर रहा है, और कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मुकुल और मैं क्या हो जाऊंगा? काम को करने वाला, और एक्टिव मैं, तो काम को करने वाला यानी डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो मुकुल और मैं क्या हो जाऊंगा? सब्जेक्ट हो जाऊंगा। क्या करने के लिए? टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो काम तो टास्क कंप्लीट करने का हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है? मुकुल और मैं हूँ। मुकुल और मैं जब सब्जेक्ट हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा यूज। आई का सब्जेक्टिव केस तो आई होता है, तो आई यहाँ पर सही है, मी का यूज करते तो गलत हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पर यू एंड आई, अगर यही पर हम लोग बोले कि यू एंड आई शैल गो, क्या ये सही है बच्चे? बताओ, एक सेंटेंस दो आपको, यू एंड आई शैल गो, इज इट करेक्ट और नॉट? हाँ, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। दिमाग में ये नहीं बिठाना है कि यू है तो उसके साथ मी होगा, ऐसा सब नहीं बिठाना है आपको। थ्योरी बताया पूरा का पूरा, यू एंड आई शैल गो, तुम्हें और मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाने का काम होगा, करेगा कौन? तुम और मैं। काम को करने वाला क्या होता है? डूअर होता है। डूअर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के लिए जब हम लोग यू और आई केस करेंगे तो सब्जेक्टिव केस करेंगे, तो यू का तो सब्जेक्टिव केस यू होता और आई का आई होता, तो यहाँ पर यू और आई सही है, लेकिन यहाँ पर यू और आई क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को चाहिए था ऑब्जेक्ट और ला रहे हैं हम लोग सब्जेक्टिव केस, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस लाना होगा, यानी मी हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे देखो, अगला प्रोनाउन जो होता है, अगला टाइप का प्रोनाउन, उसको बच्चे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सफिक्स जो है सेल्फ किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब अंत में, यानी सफिक्स के रूप में अंत में, पर्सनल प्रोनाउन के अंत में क्या लगा दो? सेल्फ लगा दो, उसी को हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माय है एक पर्सनल प्रोनाउन, इसके साथ लगा दो क्या चीज? सेल्फ। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। योर के साथ लगा दो योर सेल्फ, देम के साथ लगा दो देम सेल्फ, इट के साथ लगा दो इट सेल्फ। देम के साथ देम सेल्फ क्यों आया? क्योंकि देम जो है वो क्या है? प्लूरल है, ठीक है? कई सारे लोगों के लिए यूज होता है, माय योर ये सब क्या सिंगुलर है, तो इसके लिए इसके साथ सेल्फ आएगा, देम के साथ देम सेल्व्स आएगा, एस ई एल वी ई एस आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि देम का बात हो रहा तो प्लूरल है, तो इसलिए ई एस लगा देंगे, ठीक है? इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? कंपाउंड प्रोनाउन बोलते हैं, और इन्हीं कंपाउंड प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं अगर इनका यूज किया जाए जो इन सच अ वे दैट द एक्शन डिफाइंड इन द सेंटेंस टर्न्स बैक एट द ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक्शन डिफाइन किया जाता है किस चीज के ऊपर? एक्शन जो डिफाइन किया जाता है वो क्या हो जाए? उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है? सच अ वे दैट द एक्शन डिफाइन इन द सेंटेंस टर्न्स बैक एट द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का बात हो रहा है उसी सब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाए? एक्शन डिफाइन हो जाए। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा बेहतर, ठीक है? चलो देखो, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को क्या कर लिया? हर्ट कर लिया। तो
किसने किया हो, मैंने किया, तो माई सेल्फ का यूज हम लोग क्यों किए यहाँ पर, क्योंकि मैंने खुद को हर्ट कर लिया। तो जब एक्शन जो है, जो सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर डिफाइन हो रहा है, यानी मैंने खुद वो काम किया, कोई दूसरे ने मुझको हर्ट नहीं किया है। जब मैंने खुद को हर्ट किया तो मैंने खुद के ऊपर काम किया, तो जब एक्शन जो है, जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर डिफाइन हो जाए तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और ये क्या होता है, दरअसल एक कंपाउंड प्रोनाउन है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ मिला दोगे तो कंपाउंड प्रोनाउन है, और उसी का यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसेज में जिसमें क्या हो जाए, सब्जेक्ट जो है वो खुद अपने ऊपर एक्शन ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे देखो, द ड्राइवर वाज ऑन लीव सो आई वाज द कार मायसेल्फ, छुट पर था तो मैंने अपना कार खुद साफ कर लिया, तो मैंने खुद से कार को साफ कर लिया खुद से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई के लिए मायसेल्फ का यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मायसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। She wanted to impress her teacher, so she baked the cake herself. तो वो टीचर को इम्प्रेस करना चाहती थी, तो उसने क्या किया, केक जो था वो खुद से बनाया, ठीक है, खुद से केक बनाया, तो she herself, यहाँ पर herself क्या हो जाएगा बच्चे, reflexive pronoun हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब अगला जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है बच्चे, वो क्या होता है, emphatic pronoun, ठीक है। emphatic pronoun क्या होता है, ये भी कंपाउंड प्रोनाउन होता है, जैसे myself, themselves, itself, yourself, herself, यही होता है, ठीक है। बट इसके साथ क्या होता है बच्चे, इसके साथ टर्म होता है, अच मार खा जाओगे ना, देखो इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। और देखो एक सेंटेंस के अंदर अगर एक कंपाउंड प्रोनाउन हो, उसको यूज किया जाए इस तरह से कि इम्फेसिस किया जाए, विच मींस किसी चीज के ऊपर क्या चीज किया जाए, जोर डाला जाए, ठीक है, ऑन द सब्जेक्ट, इट इज नोन एज इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर जोर डाला जाए, ठीक है, यानी उसके ऊपर इम्फेसिस किया जाए, इम्फेसाइज किया जाए, हाँ यही तो है, ठीक है, हाँ मैं ही तो कर दूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वैसे केस में इस तरह के कंपाउंड प्रोनाउन को हम लोग नाम दे देते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन। अब उसके लिए बस छोटा सा एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, आई विल डू इट, मैं ये काम कर लूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद ही कर लूंगा, ठीक है, मैं ये काम खुद से ही कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा। यहाँ पर माई सेल्फ का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, मेरे काम करने के क्षमता के ऊपर इम्फेसिस कर रहे हैं, उसको इम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ क्या कहलाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने देखा मायसेल्फ कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहलाता है, जैसे जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग देखे हुए थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब कहलाता है तो जब सब्जेक्ट के ऊपर ही एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट खुद से किसी एक्शन को करने का काम कर रहा हो, तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह देते हैं, ठीक है। और जब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, जब सब्जेक्ट जो हो वो क्या कर ले, सब्जेक्ट जो हो वो क्या कर दे, सब्जेक्ट जो है वो ये डॉट डॉट कौन किया है, डूडल, इमीडिएट इफेक्ट के साथ दो बच्चों को हम रिमूव कर रहे हैं यहां से, ठीक है, एक तो हो गया हमारा प्यारा अनिकेत और एक हो गया हमारा प्यारा अक्ष, ठीक है, तो ये दो बच्चे क्लास से आउट होंगे। चलिए, जब सब्जेक्ट के ऊपर इम्फेसिस किया जाए, जोर दिया जाए, हम लोग क्या कहेंगे, उसको इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, मैंने खुद ही ये रिमार्क जो है वो सुना है, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग इसको बच्चे, हम लोग इसको कहेंगे यहाँ पर माई सेल्फ जो है वो क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन, मैंने खुद ही रिमार्क सुना है और किसी ने नहीं सुना, मैंने खुद ही सुना है, तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अगला प्रोनाउन जो है वो बच्चे हम लोग का होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग